उधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राहुल के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया, और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? गुजरात, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी की आवास निवास सब कुछ है, हुआ अगर बाहर से कोई कांग्रेस के नेता जाकर हुड़दंग मचाए और ये आशंका जाहिर करे तो बीजेपी पार्टी के खुद को शर्मिंदा महसूस करना जरूरी है। गुजरात कोई पाकिस्तान की प्रदेश तो नहीं है, गुजरात शायद हिंदुस्तान का ही कोई प्रदेश है, तो हिंदुस्तान में कहीं जाना आना, इसमें बीजेपी पार्टी की आपत्ति की क्या वजह हो सकती है मुझे पता नहीं। राहुल गांधी अपने प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। अडानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी उनका टारगेट है, यानी 2024 का एजेंडा सेट है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इस मुद्दे पर 2024 के चुनाव में कोई मदद मिलेगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये राहुल गांधी जी का अहंकार है जो पिछड़े समाज से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरनेम का अपमान करने वाले बयान की वजह से राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी। लेकिन अब सूरत की मेट्रोपॉलिटन अदालत के उस फैसले को राहुल गांधी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, जिसमें उन्हें मोदी सरनेम अपमान मामले में 2 साल की सजा मिली है। इसके लिए सूरत के सेशन कोर्ट में आज राहुल गांधी की तरफ से एक याचिका दायर की जाएगी। पार्टी के कानूनी सलाहकारों के साथ ही सूरत के कुछ वरिष्ठ वकीलों की टीम राहुल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार दोपहर बाद सेशन कोर्ट में दायर करेगी। सूत्रों के मुताबिक सूरत में याचिका दायर किए जाने के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता कोर्ट में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे के करीब राहुल गांधी सूरत रवाना होंगे। राहुल दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से सूरत जाएंगे। राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ सूरत जाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी सूरत पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सूरत पहुंचेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राहुल के साथ सूरत जाएंगे। गुजरात कांग्रेस के नेता भी राहुल के साथ मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी 3 बजे सेशन कोर्ट में पहुंच सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे को कांग्रेस ने आक्रामकता से उठाया था। सड़क से संसद तक कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का राहुल गांधी के साथ सूरत पहुंचने का मतलब ये संदेश देना भी होगा कि इस लड़ाई में राहुल के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। ये कानूनी लड़ाई राहुल गांधी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मानहानि मुद्दे पर अगर राहुल गांधी की सजा के साथ साथ दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगी तो सांसदी जाने के साथ ही वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। एक तरफ कांग्रेस राहुल के साथ एकजुटता दिखा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। ये राहुल गांधी जी का अहंकार है जो पिछड़े समाज से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। ऐसी क्या मजबूरी है राहुल जी कि आप पिछड़े समाज को अपमानित तो करते हैं लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते? झूठ बोलने से नहीं हटे तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं अवमानना के, और 7 केसेस में वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। अब राहुल गांधी संसद सदस्यता समाप्त करवाने वाली सजा के खिलाफ किस तरह की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? माफी मांगने से इनकार कर चुके राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के वकीलों की फौज ने क्या रणनीति तैयार की है, इसका खुलासा याचिका दायर होने के बाद होगा। लेकिन इतना साफ है कि इस कानूनी लड़ाई में जीत ही राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर छाए अनिश्चितता के बादलों को छांट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज खबर यह है कि राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंच रहे हैं। यहां सेशन कोर्ट में वे जो CJM कोर्ट से सजा मिली है उसके खिलाफ अपील करेंगे।
मानहानि केस में सीजेएम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई और 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है। उन्हें घर खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है और आज जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो उनके साथ कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री सूरत में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है और सूरत से ही हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी है सूरत में, जैसा कि आपने बताया जगह जगह होर्डिंग्स कटआउट लगाए गए हैं और साथ ही साथ वहां कार्यकर्ताओं का भी बड़ा जमावड़ा हो रहा है, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी थी ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी इसी स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है कि इस मुद्दे का पॉलिटिकल फायदा कैसे लिया जाए, विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाए और साथ साथ चुनावी देखिए साल है ये, अभी कर्नाटक में चुनाव घोषित हो चुका है, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर महीने में और उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव है, तो इलेक्शन ईयर है और इस मामले में इसको पॉलिटिकली कैसे फायदा लिया जाए, जनता तक ये कैसे मैसेज दिया जाए कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है, उनको जबरदस्ती फंसा रहा, उनकी सदस्यता को रद्द कर रहा है, राहुल गांधी को एक तरह कहा जाए उनकी पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो एक मैसेज देने वाली बात है और इसका क्या जनता से फायदा मिलेगा तो वो तो रिजल्ट बताएगा चुनाव का, लेकिन फिलहाल जनता तक ये मैसेज पहुंचाना है कि ये सरकार कहीं ना कहीं डर गई है राहुल गांधी से, राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं मोदी को लेकर और अडानी के रिश्ते को लेकर उस वजह से ये कार्रवाई हो रही है, इसी वजह से ये मैसेजिंग की कोशिश है और पूरी पार्टी देखिए 3-3 मुख्यमंत्री को लेकर यहां आना, तीनों मुख्यमंत्री साथ रहेंगे, एक मैसेज तो ये है कि ओबीसी समाज से जो माफी मांगने वाली बात की जा रही है, तो दो मुख्यमंत्री ये कांग्रेस बार-बार उनके नेता कह रहे हैं कि 3 में से 2 मुख्यमंत्री उनके ओबीसी के हैं, तो एक मैसेज ये देना है कि ओबीसी के मुख्यमंत्री हमारे 2-2, 3 में से 2 मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी के हैं, साथ-साथ पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है, ये मैसेज देना है। और लीगल लड़ाई में आप जानते हैं कि जो तर्क दिए गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तर्क भी होंगे और सारे तर्क भी रखे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रवि, आपसे आगे भी इस बड़ी खबर पर अपडेट हम लेते रहेंगे। तो राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे सूरत, जहां वे सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे सीजेएम कोर्ट में मिली सजा के खिलाफ। Zee News.